गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हां फ्रेंड्स, जीएसटी रिवोकेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है, जो इन जनरल रिवोकेशन के लिए आपकी मदद करने वाला है। यहां पर आप देख पा रहे हैं, मैंने जजमेंट ओपन कर लिया है जो कि है इन फेवर ऑफ असेसी। अब क्या है इसके अंदर फैक्ट्स, क्या है सारी चीजें एक एक करके समझेंगे। इशू क्या इन्वॉल्व था, High Court directs that the petitioner deserves a chance to revive their registration so that they can proceed to regularize the defaults. यानी कि जो High Court है, जिसके पास petitioner ने file की थी writ petition, वहां पर direction ये दिया गया है कि petitioner यानी कि जो registered taxpayers हैं, वो deserve करते हैं एक chance और उनकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल कर दी गई थी उसे रिवाइव करना चाहिए ताकि वो अपने डिफॉल्ट्स को रेगुलराइज कर सकें। और इसका जो जजमेंट है ये आप देख पा रहे हैं कितने सारे रिट पिटीशंस के अगेंस्ट में आया है, तो यानी कि ये जो जजमेंट है ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है। आगे इसमें लिखा गया है, जीएसटी अथॉरिटीज मे इम्पोज पेनल्टी with the gravity of lapses committed by these petitioners by issuing notices. जी हाँ friends, अगर आपका GST registration cancel हुआ है किसी भी default की वजह से और वो अब revive होता है इस direction के बाद, तो यहां पर एक पेनल प्रोविजन लगाने की भी बात करी गई है। ऐसा क्यों? इफ रिक्वायर्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्सो सूटेबली अमेंड द रूल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रिवोकेशन करने का टाइम पीरियड जा चुका, अपील फाइल करने का टाइम पीरियड जा चुका, फिर भी एक मौका आखिरी चांस रिवाइव करने के लिए आपको दिया जाना चाहिए विथ अ पेनल्टी, ताकि आप लोग या आप जैसे टैक्स पेयर जो कि सीरियसली नहीं लेते हैं जीएसटी के लॉ को, वो सीख सकें और अपनी गलतियों को सुधार सकें। उसके लिए पेनल्टी लगाई जा सकती है और उसके लिए अमेंड किया जा सकता है रूल्स, लेकिन नंबर नहीं चालू करने का कोई भी सेंस नहीं है। यहां पर बहुत ही अच्छा जजमेंट ये निकल के आया है, मे ऑल्सो सूटेबली अमेंड द रूल्स टू लेवी द पेनल्टी सो दैट इट एक्ट्स एज अ डिटरेंट ऑन अदर्स फ्रॉम अडॉप्टिंग कैजुअल अप्रोच। जो भी टैक्स पेयर जीएसटी को लेकर के कैजुअल अप्रोच रखते हैं, अच्छा ठीक है ना, देख लेंगे जो होगा, उस अप्रोच को खत्म करने के लिए एक डिटरेंट देने के लिए पेनल्टी के प्रोविजंस के साथ कैंसल्ड नंबर को दोबारा से रिवाइव करना चाहिए। ये हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। यहां पर जब हम लोग डिटेल्स चेक करेंगे तो सेक्शन 29 सेक्शन 30 के अंदर यह जजमेंट आया है जिसमें द पिटिशनर्स चैलेंज द कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नंबर ही कैंसिल हुआ और उस कैंसिलेशन को ही चैलेंज कर दिया गया। द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट सम ऑफ द पिटिशनर हैव डायरेक्टली चैलेंज्ड द ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन पास्ड अंडर सेक्शन 29। जो कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया था डायरेक्टली उसे ही चैलेंज कर दिया गया है। ऑल दीज पिटिशनर्स हैड अ रेमेडी to file an application under section 30 for the revocation of the cancelled registration or to file an appeal before the appellate authority. कैंसल होने के बाद आप रिवोकेशन के लिए फाइल कर सकते हैं विद इन 30 डेज या फिर अपील में जा सकते हैं अंडर सेक्शन 107। सम ऑफ द पिटिशनर्स हैव एक्सरसाइज्ड दिस ऑप्शन, हाउएवर द ओरिजिनल अथॉरिटी हैज रिजेक्टेड देयर अपील्स। कुछ पिटिशनर्स पहले भी अपील में जा चुके हैं लेकिन अपेलेट अथॉरिटी ने उनका जो पिटीशन है, जो अपील का जो पिटीशन है, उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो यहां पर अब हाई कोर्ट ने सम ऑफ द पिटिशनर्स को क्या बातें बताई कि सम ऑफ द पिटिशनर्स हैव फाइल्ड अपील्स अगेंस्ट द ऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ चूजिंग टू फाइल एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 30 एंड सम ऑफ द अपील्स वेर रिजेक्टेड एज दे वर फाइल्ड बियॉन्ड द टाइम पीरियड। यानी कि अपील फाइल कर दिया गया लेकिन रिवोकेशन नहीं फाइल किया गया, जबकि रिवोकेशन का ऑप्शन भी अवेलेबल था और जो अपील में गए उनका अपील रिजेक्ट हो गया। तो ये बहुत सारी कहानी होने के बाद द कोर्ट ऑब्जर्व दैट पर्सुएंट टू द डिसीजन ऑफ द जीएसटी काउंसिल एंड द नोटिफिकेशन इशूड इट इज एम्पली क्लियर दैट द इंटेंशन
अब इंटेंशन क्या है गवर्नमेंट का? इंटेंशन इज टू ओनली फैसिलिटेट एंड नॉट टू डीबार एंड डी रिकॉग्नाइज्ड असेसीज फ्रॉम कमिंग बैक इनटू द जीएसटी फोल्ड। यानी कि जो आपका इंटेंशन है वो ये है कि जो डिफॉल्टेड असेसी हैं उनको पेनलाइज किया जाए, ना कि अगर वो चाहे अपने डिफॉल्ट को सही करके दोबारा से जीएसटी एम्बिट में आना तो उन्हें रोक दिया जाए। ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फैसिलिटेट करने का प्रोविजन आपको देना चाहिए कैंसिलेशन के लिए, और उसको डी बार या डी रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए कि आप दोबारा से जीएसटी के अंदर आ ही नहीं सकते। No useful purpose will be served by keeping these petitioners out of the bound of GST regime other than to allow further leakage of revenue and to isolate these petitioners from the mainstream। अगर आपने GST number cancel ही रखा, revoke नहीं किया, तो इससे जो आपकी प्रॉब्लम है लीकेज ऑफ रेवेन्यू वो और ज्यादा बढ़ेगी, आप उसे और ज्यादा अलाउ कर रहे हैं, ऐसा हाईकोर्ट कह रहा है ऑफिसर्स को। और आप ऐसा करके रिवोकेशन ना करके आइसोलेट कर रहे हैं ऐसे पिटिशनर्स को जो चाहते हैं मेन स्ट्रीम में आना, लेकिन रिवोकेशन ना होने की वजह से वो नहीं आ पा रहे। Therefore, the impugned orders are liable to be quashed with few safeguards. तो कुछ safeguards के साथ, कुछ conditions के साथ जो cancellation order है उसे निरस्त किया गया और ये बताया गया है कि आपका जो GST number cancel हो गया है उसे revoke होना चाहिए। चाहे आपने कभी revocation करा हो, कभी appeal file करी हो, कभी भी cancel हुआ हो, इस judgment की मदद से revocation अब हो जाना चाहिए। The Honorable High Court allowed the petitions subject to certain conditions. Conditions के अंदर direct किया गया है petitioners को to file their returns for the period prior to the cancellation of registration. जब आपका number cancel हुआ, उस दिन से पहले जितनी भी pending returns थी, वो सारी filed करनी हैं. If any ITC has remained utilized, it shall not be utilized until it is scrutinized and approved by the appropriate or a competent authority of the department. यानी कि अगर आपके पास कोई input tax credit था जो कि अभी बचा हुआ है utilize करने के लिए, तो जब आप अपनी returns file करेंगे तो उस input tax credit को utilize करने से पहले आपके उस ITC को scrutinize किया जाएगा officer के द्वारा, उसे अप्रूव किया जाएगा ऑफिसर के द्वारा, उसके बाद ही आप वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। ये कंडीशंस लगाया जा रहा है कोर्ट की तरफ से। कोर्ट ये बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन कोर्ट ये भी नहीं चाहता है कि जो आना चाहते हैं जेन्युइनली उनको रोक दिया जाए। तो आप आ जाइए, लेकिन अब आप अपनी मर्जी से रिटर्न्स नहीं फाइल करेंगे कैंसिलेशन के पीरियड के पहले के रिटर्न्स, उसके लिए आपको कंडीशंस फॉलो करने होंगे। दीज रिस्पोंडेंट्स मे इम्पोज सच रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस ऑन पिटिशनर्स एज मे बी वॉरंटेड टू इंश्योर दैट देर इज नो अनड्यू पासिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट पेंडिंग सच एक्सरसाइज। तो ऐसा करने से कोई भी आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो पास ऑन होना था, नंबर कैंसिल होने की वजह से नहीं हो पा रहा, तो वो सारी चीजें जो हैं वो खत्म हो सकती है। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट, बहुत ही अच्छा जजमेंट, रिलीफ देने वाला जजमेंट, जिनका रिलीफ मिलने वाला है कि आपका नंबर रिवोक नहीं हो पाया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो एंड करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें समझ लीजिएगा। 9 और 9C की डेट जा चुकी है, उसकी डेट थी 28 फरवरी, अब उसमें लग रही है लेट फीस। अगर आप लोगों ने अभी तक फाइलिंग नहीं करी है तो जल्द से जल्द फाइलिंग कर लीजिएगा। फाइलिंग करने में कोई भी परेशानी आती है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके हमारा GSTR 9C का फाइलिंग सेशन परचेज कर सकते हैं, और उसका लिंक भी आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट्स के अंदर। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के एनालिसिस और जो जीएसटी और इनकम टैक्स में चेंजेस आते हैं हर महीने, वो आपको हमारी मैगजीन के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप मैगजीन का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं।